हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार, मैं माया। 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं नगर कांग्रेस ने सिरोंज के पुराना बस स्टैंड थाने के सामने आतंकवाद का पुतला दहन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही सिरोंज के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में राजस्व लोक अदालत का आयोजन आज पलेरा तहसील में किया गया है, जिसमें 448 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 261 दंडिक प्रकरण एवं 185 राजस्व प्रकरणों का निराकरण भी किया गया। इसमें अतिरिक्त ऋण पुस्तिका बंधक दर्ज किए गए हैं, जिसमें अतिरिक्त बराना न्यायालय 45 राजस्व प्रकरणों का निराकरण भी वहाँ किया गया। शासन के द्वारा राजस्व विभाग के अंतर्गत 16 फरवरी को लोक अदालत लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत हमारे तहसील न्यायालय के 187 और नायब तहसीलदार के न्यायालय के 47 प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। इसके अलावा 261 दांडिक प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। राजस्व विभाग की जैसी मंशा है कि आदमी को त्वरित न्याय मिले। भारत देश के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद वीर सैनिकों को कैंडल मार्च एवं 2 मिनट के मौन धारण के साथ देश भर में नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे कायराना हमले के विरोध में पूरा देश क्रोधित है। देश भर से अब आतंकवादियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई की गूंज गूंजने लगी है। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय ही नहीं बल्कि जिले भर में कैंडल मार्च निकाल कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पास पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों द्वारा भारतीय वीर जवानों पर विस्फोटक सामग्री से हमला किया गया, जिसमें लगभग 4 दर्जन जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल हो गए हैं। जिले में भी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि में मर्मिता के दर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें, छिंदवाड़ा में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवादियों के खिलाफ गहरा आक्रोश व्यक्त किया और साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कल जो दर्दनाक हादसा हुआ है कश्मीर के पुलवामा क्षेत्र में, हमारे देश के वीर सैनिकों को जिस तरह के से आदिल अहमद के द्वारा जैश मोहम्मद आतंकवादी समूह से आते हैं और उन्होंने हमारे 44 सैनिकों को बम विस्फोटकों से उड़ाया है, उसके लिए हम सब अध्यापक संवर्ग के साथ ही यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब हमारे देश के जो वीर शहीद हैं इन सबको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हैं और भारत सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे हाथों में कलम की बजाय अगर बंदूक थमा दी जाए और हमें भी अगर बॉर्डर पर लड़ने का अवसर दिया जाए तो हम हमारे इन शहीदों का बदला लेने के लिए पुरजोर तरीके से सब लोग तैयार हैं। आपको बता दें, लोक अदालत के आयोजन में एडीएम संतोष वर्मा पहुंचे, जहां राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया गया। वहीं आयोजन की शुरुआत में पुलवामा शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई, जिसके पश्चात एडीएम संतोष वर्मा ने क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनी और तहसील के चारों कोर्ट के 1150 प्रकरण का निराकरण किया। साथ ही लोक अदालत के आयोजन में एडीएम संतोष वर्मा, एसडीएम मनोज वर्मा, तहसीलदार अवनीश मिश्रा सहित कार्यक्रम में 410 गांव के सैकड़ों किसान एवं सभी हल्का पटवारी मौजूद रहे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।